हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं अरुणिता कांजीलाल के बारे में। और फ्रेंड्स, बात कुछ यूं है कि आप में से कुछ लोगों ने जो कि अरुणिता को बहुत पसंद करते हैं और साथ ही अरुदीप के भी बड़े वाले फैन है, पवनदीप के भी बड़े वाले फैंस है, आप लोगों ने कुछ एक पिक्चर्स मुझे भेजे हैं और वो पिक्चर्स देखकर मैं चौंक कर रह गई, बड़ी दंग रह गई कि अरे यार, ये तो बड़ा सुंदर पिक्चर, ये कहाँ से आ गया, कैसे, क्या, इधर उधर सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश मैं करने लगी। तो इसके पहले कि मैं कुछ और आगे की इन्फॉर्मेशन दूं आपको, उसके बारे में बताऊं आपको, पहले वो पिक्चर्स आपको दिखा देती हूं। तो पहले पिक्चर्स देख लीजिए। फ्रेंड्स, है ना, बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स, मतलब अरुणिता की वो साड़ी, उसका वो लुक, वो जो उसका ओवरऑल मेकअप नजर आया है। और पीछे इनफैक्ट बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड कितना खूबसूरत है और ऐसे बैकग्राउंड तो पहाड़ी एरिया में ही होते हैं। ओके, अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन निकालने की मेरी बड़ी इच्छा हो गई। भाई यार, ये तो कमाल की बात है। मैं हमेशा कहते हैं यू पर्सनल लाइफ में झांकने से रिफ्रेन करूंगी, थोड़ा सा दूर रहूंगी, लेकिन अगर कहीं कोई शूट होता है तो डेफिनेटली उसकी इन्फॉर्मेशन तो निकालनी पड़ेगी ना, दैट इज प्रोफेशनल स्टफ। तो आर्टिस्ट के प्रोफेशनल जो लाइनअप्स हैं वो तो मुझे जानना पड़ेगा ना, मतलब इट इज माई वर्क। सो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, बात कुछ ये नजर आई है कि ये जो पिक्चर्स है ये डेफिनेटली आज या कल का नहीं है, ये पिक्चर्स हैं रीसेंट के ही पिक्चर्स हैं। और जो मेरे सोर्सेस बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो जगह है वो उत्तराखंड है। ज्योतिदीप और अरुणिता इन लोगों ने साथ में शूट किया था और ज्योति भी रील्स बना रही थी। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये अरुणिता अपने किसी गाने के लिए शूट कर रही है, तो जहां तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन चलकर आ रही है वो ये है कि ये रील्स के लिए है। अब ये रील्स अरुणिता अपने गानों के लिए बना रही है या अपने पर्सनल प्रोफाइल के लिए बना रही है, या फिर ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि गाने में या उनके अगले किसी शूट पे इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, वो क्लैरिटी अभी तो मेरे पास नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि ये जो शूट हुआ है ये रील्स के लिए हुआ है। और आप जस्ट एक अंदाजा लगाइए, ज्योतिदीप का भी जो रील आया है उसमें भी ऐसा ही कुछ मौसम है, एकदम से कोहरा सा है, बारिश सी है, और ऐसी जगह पे ज्योतिदीप के बड़े सुंदर से पिक्चर्स और वो बड़े सुंदर से वीडियोस आए हैं। तो थोड़ा तालमेल तो दिखाई दे रहा है, हालांकि मुझे ये मालूम है कि ये रील आज या कल का नहीं है। अब चलिए आप गेस लगाइए और मुझे बताइए रील कब का हो सकता है, लिखकर बताइए। जय हिंद।